इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी सीख मिलेगी। एक लड़के की शादी होती है तो शादी में टाइम बहुत कम रह गया होता है। वो अपने बाप के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब्बू जी, ये मेरे सारे दोस्तों की फ्रेंड लिस्ट है, आपने इन सबको फोन करके बुलाना है, सबको इनवाइट करना है शादी में। तो बाप जब फ्रेंड लिस्ट देखता है तो उसमें तो 80-90 लोग होते हैं। कहते बेटा तू फिक्र ना कर, मैं सबको फोन करके बुलाऊंगा और सबको इनवाइट करूंगा तेरी शादी में, तू टेंशन ना ले। तो बच्चा खुश हो जाता है। अब जब शादी करीब आती है और सब लोग रात को हॉल में एक जगह पहुंच रहे होते हैं तो बच्चा देखता है कि वहां तो कोई भी नहीं आया, लेकिन कुछ दूर उसके पांच दोस्त खड़े हैं जो आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। भागा हुआ अपने बाप के पास जाता है और उनसे ऊंची आवाज में गुस्से से कहता है कि जब मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे सारे दोस्तों को फोन करके बुलाना है, सबको इनवाइट करना है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बाप मुस्कुराता है और कहता है बेटा, मैंने सबको फोन करके बुलाया था, सबको इनवाइट किया था, लेकिन हाँ मैंने उनसे कहा था कि तू एक प्रॉब्लम में फंस गया है, हम लोगों ने एक जगह मीटिंग रखी है और आप सब लोगों को आना होगा। तो ये पांच लोग हैं जो उनमें से आए हैं और यही तेरे दोस्त हैं जो सच्चे और पक्के हैं। तो दोस्तों को पहचानना सीखिए, भीड़ में अपनों को पहचानना सीखिए। कोई वक्त पे काम आए या ना आए, अगर वक्त पे आपके साथ खड़ा है तो सिर्फ उसके साथ रहना सीखिए।